तो साल की शुरुआत लोग बाग डिस में करते हैं, पब में करते हैं, पहाड़ों में करते हैं, और हम देखो यहाँ पे करते हैं। ये लो भाई, ऑटो वाले भैया ने भी 20 रुपीज लेके अपने को यहाँ पहुँचा दिया। ये पूरी सीटें खाली है अभी स्लीपर के अंदर। लो भाई, इससे अपने को चलना अब। तो भाई, अपनी YouTube फैमिली से कुछ लोग अभी नए नए जुड़े हैं जो कि मेरे सामने हैं। मथुरा वृंदावन सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोग निकल जाते हैं होटल रूम को चेकआउट करके बांके बिहारी मंदिर की तरफ, और हम लोग निकल जाते हैं पैदल ही। बाकी वहां पर पहुंचने के बाद हमें काफी सारे लोग मिलते हैं जो हमें पैसे लेकर दर्शन कराने की बात करते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मली 10 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, और वहीं पे पैदल दूरी पर राधा वल्लभ जी के दर्शन भी हो जाते हैं। वैसे तो ये मंदिर बांके बिहारी मंदिर के जस्ट बगल में है, लेकिन रास्ता ब्लॉक होने की वजह से हमें आधा 1 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ा। और यहाँ से निकलते ही अपन टैक्सी लेते हैं और पहुंच जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। और यहाँ पे होटल रूम लेने के बाद सबसे पहले जाते हैं द्वारकाधीश टेंपल, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि को रात को देखने का अलग ही आनंद है। और द्वारकाधीश पहुंचने के बाद हमारे वहां पर भी दर्शन सिर्फ 15 मिनट में हो जाते हैं। और पास में ही है यमुना घाट, जिसके साथ लगते हैं काफी सारे अलग अलग घाट, और हम यहां पे बोट राइड करते हैं। और भाई, साइबेरियन पक्षी को दाना खिलाना जरूर याद रखे। और इसके बाद रात को हम करते हैं कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन। और अब देखिए आगे। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, और ये मेरा होटल रूम था। अभी मैं इसको चेकआउट करता हूँ, लेकिन चेकआउट करने से पहले आपको रूम टूर जरूर कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि इस रूम के विंडो से क्या दिखाता है। ये देखो, विंडो से क्या दिखता है ये देखिए, ये है पोतराकुंड। रात को इसमें अल्टीमेट रोशनी मतलब जल रही थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिखाई। ये मेरा रूम है देखो भाई, और रूम कुछ इस तरीके का है, और ये भी बहुत मुश्किलों से मिल ही गया आखिरकार, अदरवाइज मिल ही नहीं रहा था। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज डील थी, बट इसको मैंने 1200 रुपये में बुक किया, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है एक। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं सीधा जयपुर के लिए, या फिर देखते हैं जो भी गाड़ी अवेलेबल होगी अपन वहाँ से निकल लेंगे, या फिर वाया डेली अपन जयपुर के लिए निकल चलेंगे, और शाम तक अपने को जयपुर पहुँचना है। एनी हाउ चलो निकलते हैं। तो गाइस, ये है कृष्णा गेस्ट हाउस। आप लोग अपनी ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि रूम की बहुत मारामारी रहती है यहाँ पे, और कोई भी त्यौहार होता है तो यार आसपास के जितने भी होटल्स हैं वो रेट भी हाई कर देते हैं, तो यहाँ पे रेट भी आपको सही मिल जाएगा। ये रहा जन्मभूमि का गेट, ये रहा पोतराकुंड। तो साल की शुरुआत लोग बाग डिस में करते हैं, पब में करते हैं, पहाड़ों में करते हैं, और हम देखो यहाँ पे करते हैं कृष्ण जन्मभूमि। और लोगों ने देखो 1 जनवरी 2024 का आगाज किस तरीके से कर रहे हैं, मेरे पीछे आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, और किसी की नई गाड़ी के लिए भी उसको बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी तरफ से भाई। फिलहाल अभी अपन आ गए हैं मद्रासी रेस्टोरेंट, जो कि कृष्ण जन्मभूमि के जस्ट सामने ही है। यहाँ से थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, क्योंकि फिर पूरे दिन भर ट्रेवल रहेगा, तो शायद नाश्ता लंच भी नहीं हो पाए। तो गाइस, अपना आ गया है इडली सांभर, तो अपना मसाला डोसा भी आ चुका है। तो ये था मद्रासी रेस्टोरेंट, यहाँ पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग आके खाएं, कि डोसा और इडली सांभर दोनों ही बेकार थे। जन्मभूमि के जस्ट सामने से ही हमें मिल जाती है ऑटो रिक्शा, जो हमें 20 रुपीज में मथुरा स्टेशन की तरफ लेकर चलता है। ये लो भाई, ऑटो वाले भैया ने भी 20 रुपीज लेके अपने को यहाँ पहुँचा दिया। और ये रहा भाई मथुरा जंक्शन, जो कि काफी बदल गया यार पिछली बार से, सही लग रहा है यार, बाहर भी इन्होंने बोर्ड लगा दिया। तो गाइस, आज की जो जर्नी अपनी होने वाली है वो जनरल क्लास से होने वाली है। वैसे मैंने जनरल का टिकट लिया, अगर जनरल में ज्यादा भीड़ होगी तो मैं स्लीपर में मूव कर जाऊंगा, और जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा हर बार की तरह वो पे कर दूंगा। फिलहाल कोई गाड़ी फिक्स नहीं होती जब जनरल का टिकट आप लेते हो, फिर भी कौन सी गाड़ी आने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल गाड़ी आने वाली है गीता जयंती एक्सप्रेस 11840, जो कि अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, और काफी लेट है वो गाड़ी। एक्चुअली में वो गाड़ी मतलब 6 घंटा डिले है, जिस कारण से मैं उसको बोर्ड कर पाऊंगा, अदरवाइज वो गाड़ी सुबह 5:30 बजे के आसपास निकल जाती है 5:20 पर। तो अभी गाइस देखो ये कितनी दूर है, मथुरा पहुंचने वाली है 11:10 पर, और सुबह इसका अराइवल टाइम था 5:20। तो देखो कितना डिले है ये गाड़ी। फिलहाल मैं दिल्ली जा रहा हूँ सबसे पहले, फिर वहाँ से मैं गाड़ी चेंज करूँगा जयपुर के लिए, क्योंकि डायरेक्ट कोई गाड़ी अभी मुझे मिल नहीं रही थी यहाँ से। तो ये गाड़ी आ रही है यहाँ से, अपन फिर दिल्ली पहुँचेंगे तकरीबन दोपहर के 2 बजे 2:15 बजे तक। तो गाइस, प्लान में सडन चेंज आया है, अब जो अपन सफ़र करने वाले हैं वो अपन श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस से करेंगे,
जिसका कोड नंबर है 12192। जो भी मथुरा पहुंचने ही वाली है, जस्ट आपको दिख रहा होगा ये भी गाड़ी थोड़ा सा लेट है और अभी 11 बजे आने वाली है, तो इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। जो अपन गाड़ी की पहले डिस्कशन कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही आएगी, लेकिन वो अभी 40 किलोमीटर पीछे है और अपनी गाड़ी सामने दिखाई देने भी लग गई है। एक बार फिर से बता दूँ, श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी गाड़ी का नाम है। ये देखो सामने दिखाई देने लग गई। बैठ चुका हूँ कोच के अंदर S6, और स्लीपर में इसलिए नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं डिफरेंस अमाउंट का पे कर दूँगा, क्योंकि पूरी सीटें खाली है अभी स्लीपर के अंदर, तो 100 रुपीज़ का कुछ डिफरेंस होगा जो मैं उनको पे कर दूँगा जब वो PT आएगा चेक करने के लिए। फिलहाल मैंने चार्ट वैकेंसी में देखा तो काफ़ी सारी सीट्स खाली है, तो कोई सी भी रैंडम सीट के अंदर अपन बैठ जाएंगे। फिलहाल मेरे को ये सीट मिली है तो इसी से अपन सफ़र करेंगे आगे का, और विंडो सीट है सबसे बड़ी बात। मैंने टिकट लिया वो लिया है 65 रुपीज़ का, जो कि जनरल का टिकट है, और जो ATM मशीन लगी हुई है उसी से मैंने निकाला है उस टिकट को, किसी की हेल्प के बगैर। सीधा UPI पेमेंट करो, 2 मिनट में आपकी टिकट आपके हाथ में मिल जाती है, कोई लंबी लाइनों में लगने का झंझट ही खत्म। दिल्ली जा रही है अभी राजधानी एक्सप्रेस, तो वही मैं सोच रहा था कि गाड़ी अभी तक चलाई क्यों नहीं है इन्होंने, क्योंकि 20 मिनट तो हो ही चुका ऑलमोस्ट यहाँ पे, और अभी राजधानी को पास दिया है, अभी राजधानी जब थोड़ा आगे निकल जाएगी उसके बाद अपनी गाड़ी उसी रोड पे चलेगी आगे की तरफ। तो गाइज अपनी गाड़ी निकल चली है 11:25 पे, अभी देखो 10 मिनट हुए हैं राजधानी को निकले हुए, 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट हुए हार्डली, और अपनी गाड़ी निकल चली है। अब ये 2 बजे तक अपने को पहुंचा देगी हजरत निजामुद्दीन। हेलो भाई, मथुरा से निकल चले अपन। गाड़ी कोई राजधानी से कम है कि क्यों, क्योंकि ये गाड़ी अभी हजरत निजामुद्दीन से पहले कहीं नहीं रुकने वाली है। होल्ड तो वैसा कोई है नहीं ऑफिशियली, अगर कोई पास करवाना हो या क्रॉसिंग करवानी हो तब तो ये गाड़ी रुक सकती है, अदरवाइज तो इस गाड़ी का कोई स्टॉपेज नहीं है हजरत निजामुद्दीन से पहले, तो लास्ट टर्मिनेशन भी इसका वहीं पर ही है। अभी टाइम हो रहा है 11:42, और देखो क्या कोहरा है और क्या क्लाइमेट है अभी, इतना खूबसूरत नज़ारा। ये सरसों के खेत देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। फिलहाल गाड़ी का कोई हॉल्ट नहीं है तो ये नॉन स्टॉप ही चलने वाली है, तो अभी थोड़ा स्लो हो गई।
अभी तो गाइस अपन ओखला ही पहुंचे हैं यार, अभी 15 मिनट और लगेंगे। हेलो दोस्तों, अपन पहुंच गए भाई हजरत निज़ामुद्दीन। ये देखो टाइम, देख लो 1:57 पर पहुंचे हैं। गोवा एक्सप्रेस, किसी दिन इससे भी सफ़र करेंगे यार अपन। गोवा का सपना सपना ही है बचपन से, अभी तो लग रही है गाड़ी और यहाँ से जा रही है मदुरई चंडीगढ़, तो जा रही है अभी मदुरई की तरफ चंडीगढ़ से आते हुए। और यहीं पे अभी एक गाड़ी लगेगी एमयू, जिससे मैं जाऊंगा न्यू दिल्ली। अभी मैं हूँ हजरत निज़ामुद्दीन, 2:16 तो हो गए हैं और 5 मिनट में अपनी गाड़ी भी आ जाएगी। लो भाई, इससे अपने को चलना है अब। ध्यान दीजिए, तो चढ़ गए अपन ईएमयू के अंदर। और ये सही है यार बिल्कुल, मतलब मेट्रो को स्किप करो और ये जो आती है ईएमयू इसको प्रेफर करो। लास्ट टाइम मैं जब करनाल गया था तब भी मैंने ईएमयू को यूज़ किया था मेट्रो की बजाय। टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। तो भाई चल पड़े अपन हजरत निज़ामुद्दीन से न्यू दिल्ली की तरफ। सामने जा रही है राजधानी एक्सप्रेस। तो भाई अपनी YouTube फैमिली से कुछ लोग अभी नए नए जुड़े हैं जो कि मेरे सामने हैं। अपना इंट्रोडक्शन दो भाई। माय नेम इज विशाल कुमार। माय नेम इज सुमित। वरुण। मेरा नाम ब्रिज किशोर। स्कूल में सब बीपी कहते हैं। भाई ये सब स्कूल में पढ़ने वाले हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अभी ओखला से न्यू दिल्ली की तरफ जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट 3 बजे अपन न्यू दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब एक समस्या ये थी कि हमारी एक गाड़ी छूट जाती है और जो नेक्स्ट गाड़ी होती है वो है वंदे भारत, जो कि दिल्ली के एंड से निकलने वाली होती है। बरेली न्यू दिल्ली रोहतक तिलक ब्रिज सिरसा एक्सप्रेस। लो गाइस, ये अपन पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली और अब यहाँ से थोड़ा रेस्ट करने के बाद, मतलब थोड़ी शॉपिंग करने के बाद शाम को अपनी गाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मिलते हैं आपसे अगली जर्नी के अंदर। टिल देन पीस। अब देखते हैं, 3 मिनट बता रहा है ये। तो 100 मिनट में से भाई के साथ मैंने 90 मिनट स्पेंड किए। भाई सामने खड़ी अपनी वंदे भारत और 5 मिनट पहले उसकी गेट ना बंद हो जाए, इससे पहले मेरे को भाग के पहुंचना पड़ेगा।